हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला मिल्स किचन। तो मेरे चैनल पे और एक मैं नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ, चिकन का सीख कबाब। तो ये देखिए मेरा सीख कबाब किस तरीके से बने हैं। एकदम गोल्डन फ्राई करी हूँ मैं। ये आप शैलो फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई, जैसे भी आपको खाना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले ली हूँ बोनलेस। इसमें व्हाइट पेपर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ये मैंने मसाला ले ली हूँ एक एक चम्मच करके। और एक मैगी क्यूब मसाला है ये, तो ये मैं एक डाल दूंगी। लहसुन ली, हरी मिर्ची और ये अदरक। मैंने नमक ली स्वाद अनुसार, नमक, नींबू। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को इसमें डाल दी हूँ। तो ये हरी मिर्ची रह रहे के लाल हो गए हैं, तो आप हरी मिर्ची या लाल मिर्ची ऐसे आप डाल सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। मेरे पास चॉपर नहीं है तो मैं मिक्सर मशीन में कर रही हूँ, मिक्सर में। तो ये सब मसाला मेरे, ये सब मैं चिकन में डाल दी। और इसमें आप जितना नमक आपको चाहिए उतना डाल के इसको, ये मैंने बेसन भून के रख ली हूँ। तो देखिए मिक्सर मशीन में ये बहुत भून जाते हैं आटा की तरह। मेरे पास चॉपर नहीं है, आपके पास चॉपर अवेलेबल हो तो उसमें चॉप कर लीजिए चिकन को, कीमा जैसे बन जाएंगे। चिकन को मैं ये भुना हुआ बेसन मैंने हाफ कप ले ली हूँ। तो हाफ कप बेसन को मैंने भून के प्लेट में डाल ली थी, तो उसी में मैं चिकन जो मैंने मिक्सर में करी हूँ बैटर जैसे, उसको मैं इसमें डाल लूँगी। और नींबू का रस एक पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं आटे की तरह इसको चिकन को पूरे अच्छे से मैश कर लूंगी, मिक्स कर लूंगी। आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा बनेंगे। देखिए मेरे ये गुठले गुठले एक दो रह गए, तो ये मैं निकाल दूंगी। देखिए एक चम्मच में कॉर्नफ्लावर डाली इसमें और एक चम्मच करी बटर डाली, क्योंकि बाहर का जो सीख कबाब रहते हैं वो टेस्ट में बहुत अच्छा रहते हैं, घर का अच्छा नहीं रहते घर का, इसलिए क्योंकि बाहर का ऑर्गेन्स भी डालते हैं चिकन का, जो भी उन लोगों का फैट है वो डालते हैं। तो हम इसमें बटर या घी इसमें डाल के आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए आटा की डो की तरह। ये मेरा चिकन का सीख कबाब वाला बैटर बन के रेडी हो गए। तो एक इसमें मैं कोयला का थोड़ा धुआं दे दूंगी ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए इसमें, और इसको ढक दूंगी। तो एक मैंने पेंसिल ले ली मोटा थिक वाला, जो मैंने अभी तक यूज नहीं करी, नए पेंसिल है, तो उसको मैं ऐसे अच्छी तरीके से धो के पोंछ के ले ली हूँ। फिर इसकी मदद से मैं सीख कबाब का मैं शेप दे पाऊंगी। मेरे पास सीख अवेलेबल नहीं है तो मैंने पेंसिल को सीख की तरह यूज कर ली। आपके पास कोई भी स्टिक हो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बेसन डाली और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाली एक चम्मच, तो अच्छे से बाइंड हो गए हैं। तो ये ना चिपकेंगे हाथ में और ना ही टूटेंगे, अच्छी तरीके से हो जाएंगे। देखिए अच्छा हमारा अंदर से होल होके है, जो अच्छे से कुक भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो हाथ में जितना आपको मोटा चाहिए सीख कबाब उतना
इसको लो लेके फिर हाथ में फैला लीजिए, उसके बाद पेंसिल में रोल कीजिए। तो इस तरीके से मैं ये डब्बे में डाल लूंगी और मैं जब खाऊंगी तब तब दो तीन करके फ्राई करूंगी। इस तरीके से आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए स्टोर करके आप अपने फ्रीजर में रख सकते हैं और थोड़े थोड़े करके निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये हो गए, अब मैं फ्राई करने जा रही हूँ। बहुत थोड़े तेल डाली हूँ मैं। आप इसको एयर फ्राई है आपके पास अवेलेबल तो उसमें भी कर सकते हो। ब्रश में थोड़ा सा घी लगा के या बटर लगा के या तेल जो भी हो आप लगा के एयर फ्राई कर सकते हो। थोड़े थोड़े तवे में भी बहुत कम तेल में फ्राई कर सकते हो। इसको हमको स्लो गैस में या मीडियम गैस में ढक के थोड़ा कुक करना है। ये हमारा चिकन सीख कबाब हो गए रेडी। अब मैं इसमें सैलेड के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नए नए वीडियो आने के लिए भी